नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स टीनीज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरो जाहिर नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। तेजी से फैल रहा है डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारी। जबलपुर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अंचल सोनकर नगर अध्यक्ष जी एस ठाकुर के नेतृत्व में आज जिला अस्पताल विक्टोरिया का घेराव करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार लाचार व्यवस्था के कारण शहर में फैल रहे हैं डेंगू चिकनगुनिया एवं संक्रमण बीमारियों के कारण जनता परेशान हो रही है और प्रदेश सरकार उनके आला अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, जिसके चलते संक्रमण बीमारियां तेजी से फैल रही है। वहीं जिला अस्पताल में जितना भी पूर्व सरकार ने योजनाएं चालू की थी उन्हें वर्तमान कांग्रेस की सरकार द्वारा बंद करा दिया गया, जिसके चलते गरीब जनता को निशुल्क इलाज, रोगी कल्याण जैसी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। न ही जिला अस्पताल में संक्रमण बीमारियों से निपटने के लिए दवाइयों की कमी के चलते गंभीर स्थितियां बनी हैं। वहीं विरोध करने पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अंदर जाने से पहले ही रोक लिया, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं में हल्की झड़प भी हुई। वहीं पूर्व विधायक अंचल सोनकर द्वारा शहर में फैल रही संक्रमण बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयाँ उपलब्ध, 24 घंटे डॉक्टर की व्यवस्था के साथ साथ जन जागरण में इस संक्रमण बीमारियों के बारे में जानकारी देने की मांग करते हुए SDM और CMO विक्टोरिया अस्पताल को ज्ञापन देते हुए व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त कराने की बात कही गई। आज विक्टोरिया में प्रदर्शन किया गया है, क्या विभिन्न चीजें थी जिसके लिए आज विक्टोरिया में प्रदर्शन करना पड़ा? बड़ी संख्या में बुखार बढ़ रहा है, उसका कारण गंदगी और मच्छर, ऐसा जानकारी से मिली है, और उसके कारण बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं, वायरल फैल रहा है। विक्टोरिया अस्पताल में दवाइयां पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं। पहले जांचें फ्री होती थी हमारे समय में, अब कांग्रेस समय में दवाइयां भी फ्री नहीं हैं और जांच भी फ्री नहीं है, इसलिए व्यवस्थाएँ पूरी तरह चरमराई हुई हैं। गरीब जनता परेशान है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति, मजदूरी पेशा लोग, गरीब लोग रहते हैं, वहाँ ही समस्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के कार्यकर्ताओं ने आज ज्ञापन बनाया और ध्यानाकर्षण लाया था। इसके पहले हमने रोगी समिति में जो पैसा लिया जा रहा है उसके बारे में भी आपत्ति की थी, उस पर भी ध्यानाकर्षण कराया है, और हम चाहते हैं जैसा निःशुल्क इलाज होता रहा वैसा समुचित और निःशुल्क इलाज हो। कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्हें कहा है कि चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी संक्रमण बीमारियाँ बढ़ रही हैं, उनके द्वारा ऐसा कथन किया गया है, परंतु ये कथन नितांत असत्य है। पिछले वर्ष के अनुपात में 10% भी अभी तक उतने केसेस नहीं हुए हैं। इसकी एक लिस्ट है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लेके देख सकते हैं कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो विक्टोरिया में पहले निःशुल्क इलाज होता था और समुचित दवाइयों की व्यवस्था होती थी, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। देखिए, गरीबों के लिए आज भी निःशुल्क इलाज हो रहा है, लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो पैसा दे सकते हैं, वो अगर थोड़ा सा अपना पैसा कंट्रीब्यूट करें तो उससे हम रोगी कल्याण समिति को मजबूत कर सकते हैं, और उस रोगी कल्याण, एक मजबूत रोगी कल्याण समिति से हम उन्हीं गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये जो पैसा हम ले रहे हैं ये किसी व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये मरीजों के इस्तेमाल की चीज़ों के लिए ही है। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।